सो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सभी के? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली सभी वीडियो से अलग होने वाली, मतलब कि जो गेम मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो गेम सभी गेमों से अलग होने वाला है जितने भी आज तक मैंने आप लोगों को बताए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें मेरी पुरानी वीडियो की, तो उनमें जो है आपको पबजी जैसे, फ्री फायर जैसे और भी अदर बैटल रॉयल, सर्वाइवल, मल्टीप्लेयर शूटर, इस तरीके के जो है गेम देखने को मिलते थे। लेकिन गाइस, ये जो गेम बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही लेवल का है, मतलब जो है आज तक आप लोगों ने शायद ही है ऐसा गेम कभी खेला हो। बाकी गाइस, जो गेम के कंट्रोलर हैं और रियलिस्टिक वगैरह स्मूथनेस है गाइस, वो आपको बिल्कुल BGMI एंड फ्री फायर जैसी मिल जाएगी। कंट्रोलर तो जो है गाइस, मतलब BGMI जैसा हो तभी जो है भाई बिल्कुल मज़ा आता है गेम खेलने में। और एक मेन बात और जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बिल्कुल लो एंड डिवाइस के लिए, मतलब जो है आपके पास 1 GB एंड 2 GB रैम, उससे भी जो है अगर आपके पास कम रैम है मोबाइल में, मतलब कि 512 MB है, तब भी जो है आपके मोबाइल में इजीली रन करेगा। बाकी जो गेम होगा वो ऑफलाइन होगा और गेम में जो है गाइस आपको फुल HD अल्ट्रा मोड देखने को मिलेगा, मतलब ग्राफिक्स जो है आपको HD में देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो गेम है गाइस एक सर्वाइवल शूटर गेम होगा। बाकी गाइस, जो गेम की फुल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि गेम का नाम क्या है, साइज क्या है और इसको डाउनलोड कैसे करना है, वो जो है गाइस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ जो है वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना। और जो गेम का फुल रिव्यू होने वाला है, मतलब एक एक चीज़ जो है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा बारी बारी से, तो जो है वीडियो को बिना स्किप करें जरूर देखना गाइस, कहीं से भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप लोग बोलोगे भाई कि हमें ये नहीं आ रही है, हमें वो नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप करें ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, जब आप लोग इस गेम को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा, प्रॉप टाइप बाय नंबर ऐसे कुछ लिखा है। तो ये जो है गाइस ऑफलाइन गेम है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो जो है इधर कुछ ये इसका इंट्रो है, मतलब ये मेन लॉबी है। और गाइस, आपको एक बैटल स्टार्ट करने के लिए टैप टू स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही जो आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है गाइस फाइनली इधर बैटल लग जाएगा, कहीं से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो है आपका बैटल इधर से लग जाएगा एंड गाइस इधर पर आपको कुछ एनिमीज भी देखने को मिलेंगे। उससे पहले जो अगर हम लोग बात करें गाइस इस गेम के रियलिस्टिक की, तो भाई ये जो गेम है मतलब बिल्कुल ही इजीली खेल पाओगे आप लोग। और मतलब ये जो गेम है गाइस बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और मतलब एक लो एंड डिवाइस के लिए ये जो गेम है। और अगर हम लोग बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का जो साइज है अब 200 MB, मतलब 200 MB में जो आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें इस गेम के कॉन्सेप्ट की, तो गाइस आप लोग इसको स्टार्ट करोगे तो मैंने शुरू से बताया ही, वैसे आपको इधर करना क्या, आपको ऊपर खोपड़ी दिख रही होगी गाइस, एक खोपड़ी, मतलब उस हिसाब से जो है आपको इधर किल करना है गाइस। देख सकते हो इधर कुछ एनिमीज आएंगे और जो है कुछ आपको इधर कुछ तो भाई बड़े बड़े राक्षस भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सिंपल से जो है गाइस आपको इन सबको किल करना है। और देख सकते हो हमको एक बंदा और किल करना है, मतलब एक खोपड़ी वाला बंदा और जो है किल करेंगे। तो जो है हम देखो एक बंदा और आ चुका है और इसको जो है हम लोग जैसे ही किल करेंगे ना गाइस, तो हमारा जो है मिशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ही जस्ट है गाइस सेकेंड मिशन लग जाएगा, मतलब कि जो है गाइस आप लोग जितना ईजी इस गेम को समझ रहे हो उतना ईजी ये गेम है नहीं है। और जैसे ही जो है आप लोग मतलब सेकेंड वाला मिशन भी कंप्लीट करते हो, मतलब कि इस बार मुझे 7 किल करने को मिले हैं, तो जो है आप लोग 7 किल करोगे जैसे ही, तो भाई नेक्स्ट मिशन आ जाएगा, उसमें जो है आपको कुछ और भी खतरनाक वाला देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग खेलते खेलते मर जाते हो, गेम ओवर हो जाता है, तो इधर जो है आपको किल और टाइम भी दिखा देता है कि इतने टाइम में आपने इतने किल करे हैं। तो आपको सिंपल इधर कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको दोबारा स्टार्ट कर देना है। तो जो रिस्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, इसमें आप लोग तीसरे नंबर पर देखोगे उस पर जो है आपको सिंपल सा क्लिक करना है और जो है वहीं के वहीं आपका जो है मिशन लग जाएगा। और वहीं पर जो है आपको दोबारा से गाइस वहीं के वहीं एनिमीज को किल करना है। और एनिमीज नहीं गाइस, ये आप जो भी बोलेंगे इनको, राक्षस पलीत, तो इनको ही जो है आपको किल करना है और जो है गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। बाकी अगर हम लोग बात करें गेम के साउंड इफेक्ट की, तो नो डाउट गाइस इस गेम के साउंड इफेक्ट हैं बिल्कुल भी ऑफ पी लेवल के, मतलब कि जो है आपको ये गेम कहीं से भी निराश नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करें सेटिंग की, तो इसमें जो है आपको कुछ सेटिंग देखने को मिल जाती है, बैक ऑप्शन, रिस्टार्ट, एक्सिट। तो बैक आप लोग क्लिक करोगे तो गेम के बाहर ही जाएगा। ऑप्शन में देखोगे तो इधर कुछ गाइस कैरेक्टर क्वालिटी, मतलब जो है इधर आप लोग अपने गेम के ग्राफिक्स की क्वालिटी चेंज कर सकते हो। और तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस गेम में। बाकी अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड की, तो जो है गाइस आपको मतलब बैकग्राउंड भाई मतलब डरावने तरीके का देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। और जो गेम है गाइस मतलब फुल्ली मज़ेदार यार, इतना अच्छा शानदार गेम आप लोगों को 200 MB में मिल रहा है। देख सकते हो गाइस कितने राक्षस हैं। और मतलब आप लोग जितना इजी इस गेम को समझ रहे हो ना, उतना तो ये गेम बिल्कुल भी इजी नहीं है। देख सकते हो मिशन कितने तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी का इस गेम जो है ना बिल्कुल ही ओपी लेवल का है।
एंड गाइस अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा इजी है तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हाई स्कोर बनाना है और जो हाई स्कोर बनाने में है गाइस आपकी फट जाएगी। अगर हम लोग बात करें इस गेम के इस कंट्रोलर की तो नो डाउट गाइस इस गेम के जो कंट्रोलर हैं बिल्कुल ही स्मूथ चलते हैं, मतलब कि आपको कहीं से भी इस गेम में लैग और हैंग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग कोई से भी डिवाइस में खेलो भाई, मतलब लो से लो डिवाइस हो। ऑलरेडी मैं ये बात बोल चुका हूँ। सो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें इस गेम के नाम की, फाइल साइज़ की और इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो जो फाइल साइज़ है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर हम लोग बात करें इस गेम के नाम की तो पैरागॉन इन्फिनिटी बेब ऐसा कुछ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये तो कुछ आपको नाम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इस गेम के फाइल साइज़ की तो इस गेम का जो साइज़ है आपको 202 MB में जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस ये जो गेम है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, ये जो गेम है आपको गाइस टैप एप्लीकेशन से डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी इस गेम का जो डाउनलोड लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, तो वहाँ से जो है आप लोग सिंपली क्लिक करके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो।